हेलो फ्रेंड वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड्स आज हम इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक यूज़ ऑफ डिटर्मिनर्स डिस्कस करने जा रहे हैं तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना तो इसी के साथ शुरू करते हैं जी इंग्लिश ग्रामर पार्ट वन और टॉपिक है हमारे पास यूज ऑफ डिटर्मिनर तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डैश मदर इज़ ए टीचर तो हमारे पास ऑप्शन है माई आई तो इसमें हमारे पास आ जाएगा माई मदर इज ए टीचर सेकंड क्वेश्चन है प्लीज़ गिव मी डैश शुगर ऑप्शन है हमारे पास एनी या सम उसका राइट आंसर आ जाएगा जी सम प्लीज गिव मी सम शुगर क्वेश्चन नंबर थर्ड है डैश ग्रेप्स आर सॉर दीज दिस इसका राइट right आंसर है जी दीज ग्रेप्स आर सॉर नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज डैश इंडियन तो यहाँ पे आएगा ही इज एन इंडियन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ डैश लॉन्गेस्ट टनल दर्ड दाइट ऑप्शन है जी द नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास सिक्स हैव यू गॉट डैश मनी एनी सम राइट ऑप्शन है जी एनी नेक्स्ट आई सा डैश चिल्ड्रन इन दार्क मच मैनी और राइट ऑप्शन है इसका जी आई सा मैनी चिल्ड्रन इन दार्क नेक्स्ट है शी हैज़ डैश वर्क टू डू तो इसका ऑप्शन है हमारे पास मैनी मच और इसका राइट आंसर है मच डैश हाउस इज माइन दैट हाउस या दो हाउस आंसर आएगा इसका दैट हाउस इज माइंड ही इज लोस्ट डैश फ्रेंड्स ही हैड अ फ्यू द फ्यू इसका राइट आंसर आएगा जी लॉस्ट द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड नेक्स्ट है हमारे पास डैश सन राइजेस इन द ईस्ट ऑप्शन है हमारे पास ए या द सन राइजेस इन द ईस्ट नेक्स्ट है हमारे पास सेंटेंस नंबर ट्वेल्व द टीचर गेव डैश ऑफ स्टूडेंट ए पीस ऑफ केक ईच एवरी उसका राइट ऑप्शन है जी ईच ऑफ स्टूडेंट नेक्स्ट है शी इन्वाइटेड डैश फ्रेंड्स टू हर बर्थडे पार्टी अफ यू द फ्यू इसका राइट ऑप्शन है जी अफ्यू नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास फोर्टीन है कैन यू पास मी साल्ट प्लीज द या अ ऑप्शन आ जाएगा कैन यू पास मी द सॉल्ट प्लीज नेक्स्ट है इज दिस डैश अम्बरेला हर शी राइट ऑप्शन है जी इज दिस हर अम्बरेला साइन ऑफ इंटेरोगेशन नेक्स्ट डैश इज़ बुक इज़ योर साइन ऑफ इंटेरोगेशन वट यर विच राइट ऑप्शन आ जाएगा इसका जी विच बुक इज़ योर नेक्स्ट है देयर इज डैश शुगर इन द पॉट आई कॉन्ट मेक टी लिटल अ लिटल द लिटल इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा जी लिटल नेक्स्ट है हैरी इज डैश ऑनेस्ट बॉय उसका राइट ऑप्शन आ गया जहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दो है और एन ऑप्शन आएगा हैरी इज एन ऑनेस्ट बॉय नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है नाइनटीन द को इज़ वेरी यूजफुल एनिमल अ या एन यहाँ पे आएगा द को इज अ यूजफुल एनिमल नेक्स्ट है रवि इज डैश बेस्ट सिंगर इन हिज क्लास ऑप्शन हमारे पास अ और द दा राइट ऑप्शन आ जाएगा जी बेस्ट द रवि इज़ द बेस्ट सिंगर इन हिज क्लास नेक्स्ट है डैश पेन डैश पेंसिल इज दिस हु पेंसिल इज़ दिस साइन ऑफ इंटरोगेशन नेक्स्ट है शिव बटालवी इज डैश किड्स ऑफ पंजाबी पोइट्री आ द आ जाएगा द किड्स ऑफ पंजाबी पोइट्री नेक्स्ट है शी इज प्राउड ऑफ डैश सन हिज सन हर सन इसका राइट ऑप्शन आएगा जी हर सन नेक्स्ट है वट इज डैश ब्यूटीफुल पिक्चर ऑ द एक्सक्लेमेशन साइन वट ए ब्यूटिफुल पिक्चर ए इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट सेंटेंस है डैश ताज इज द ब्यूटीफुल पिक्चर अ द ताज इज द ब्यूटिफुल पिक्चर नेक्स्ट है डैश द बॉयज आर इंटेलिजेंट बोथ नन बोथ द बॉयज आर इंटेलिजेंट नेक्स्ट है द पुअर बैगर है डैश रुपीज इन हिज पॉकेट फ्यू लिटल अ फ्यू यहाँ पे आएगा इसका राइट ऑप्शन है जी फ्यू डैश परसन वांट्स मनी इच एवरी इसका राइट ऑप्शन है जी एवरी पर्सन वांट्स मनी नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव डैश गुड बुक्स मैनी मच इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा मैनी नेक्स्ट पार्ट है इसका फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर्स चंडीगढ़ इज डैश कैपिटल ऑफ पंजाब इज द राइट आंसर है चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब नेक्स्ट डैश इज डैश अर्थ मूव्स अराउंड डैश सन तो आ जाएगा द अर्थ राउंड द सन डैश सन इज़ ही राइट ऑप्शन है हुज सन इज़ ही नेक्स्ट आई मैट डैश यूरोपियन इन द मार्केट इज़ द राइट ऑप्शन है आई मेट अ यूरोपियन इन द मार्केट नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास गिव मी डैश हनी प्लीज गिव मी सम हनी प्लीज़ डैश बिल्डिंग इज़ वेरी ओल्ड दिस बिल्डिंग इज़ वेरी ओल्ड नेक्स्ट है डैश पर्सन वांट्स मनी एवरी पर्सन वांट्स मनी आई हैव डैश एनमीज़ आई हैव फ्यू एनमीज डैश इंक इन माय पेन इज़ रेड द इंक इज़ माय पेन इज़ रेड द आ जाएगा यहाँ पे डैश है डैश हॉर्स दैट ही वॉट यस्टडे इज लैम राइट आंसर है द हॉर्स दैट ही वॉट यस्टडे इज लैम हैव यू रीड डैश रामायण यहाँ पे आ जाएगा द रामायण नेक्स्ट ही इज डैश द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास ऑनेस्टी इज द वेस्ट पॉलिसी यहाँ पे द जाएगा have you seen dash redford? the redford, the poor boy lost his pen. the poor boy lost his pen. we go to dash school. same school. we go to the same school. next, there is dash apple in the basket. there is an apple in the basket. Is there dash water in the glass? Is there any water in the glass? He can write with hands. He can write with both hands. He can write with both hands. Next, he singing is dash person. Singing is... His passion. Dash road leads to Ambassador. This road leads to Ambassador. Next day 22. How dash sugar do you want? How much sugar do you want? Next day he stood dash in the class. He stood first in the class. His father is dash. एम पी यहाँ पे आ जाएगा एन एम पी ही वॉट डैश न्यू कार यहाँ पे आ जाएगा अ न्यू कार Mangoes आर राइप और आंसर आ गया these मैंगोज आर राइप नेक्स्ट वट डैश ग्रेट शॉट वट अ ग्रेट शॉट नेक्स्ट dash डैश the boys are present all the boys are present the students made noise the students made lot of noise next dash the boys danced well each boys dance well choose the correct option to so first सेंटेंस है हमारे पास आई कैट ड्रेंक मिल्क आई हैड हमारे पास ऑप्शन है लिटल अ लिटल द लिटल द कैट ड्रेंक द लिटल मिल्क आई हैड नेक्स्ट है डैश ऑफ माय फ्रेंड्स विस्ट मी ऑन माय बर्थडे राइट आंसर है नन ऑफ माय फ्रेंड्स विस्ट मी ऑन माय बर्थडे डे देर इज ट्री

वी डैश मनी टू स्पेयर इसका राइट आंसर है वी हैव इनफ मनी टू स्पेयर नेक्स्ट डैश पीपल अटेंडेड द मीटिंग मैनी पीपल अटेंडेड द मीटिंग कैन आई आस्क डैश क्वेश्चन इसका राइट ऑप्शन है कैन आई आस्क अ फ्यू क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश इज डैश easy language english is an easy language he bought dash ripe banana he bought some ripe banana they did not watch dash movie they did not watch any movie dash whole class will play coco the whole class will play coco नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज़ रेनिंग हैवली देयर फोर डैश बॉयज़ आर प्रेजेंट टुडे राइट ऑप्शन है फ्यू बॉयज़ आर प्रेजेंट टुडे नेक्स्ट है डैश इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक दिस बुक इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक्स तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो भी डिस्कस करेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग जय हिंद